लास्ट वीडियो में हम लोगों ने R asterisk इज इक्वल टू R asterisk तक सीखा था। अब इस वीडियो में हम लोग उसके बाद वाला जो आइडेंटिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो R asterisk इज इक्वल टू R asterisk R दिया गया है, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से है जैसे R asterisk की अगर हम बात करें तो R कंटिन्यूट किया गया है R asterisk से, यानी कि नल R, सिंगल R, डबल R, सो ऑन, ऐसे है सो ऑन। तो आप इसके साथ इसको कंटिन्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, R मिलेगा, तो R मिल जाएगा। इसके साथ कंटिन्यूट करेंगे डबल R मिल जाएगा, इसके साथ कंटिन्यूट करेंगे ट्रिपल R मिल जाएगा, और इसी तरीके से सो ऑन। इसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो उसमें R asterisk मतलब ये वाली चीज़ पहले है, R null comma R comma double R so on, और उसके बाद R के साथ कॉन्टिनेट है। तो ये R सॉल्व करने के बाद सिंगल R, डबल R, ट्रिपल R, so on ये मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेट में, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, इसमें आते दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इस तरीके से ये प्रूफ भी हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम उसके बाद वाली आइडेंटिटी की बात करें जो कि R asterisk का होल asterisk इज इक्वल टू R asterisk है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, इसको भी हम कर सकते हैं। R asterisk का मतलब क्या हुआ, नल R, डबल R, ट्रिपल R, सो ऑन, ऐसे है। अब ये इसका asterisk लगा हुआ है, यानी कि समझ लीजिए रियलाइजेशन अगर ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू करिए तो इस तरह से है, यहाँ पे आप नल लिख दिए, R लिख दिए, डबल R लिख दिए, सो ऑन, ऐसे लिख दिए। अब आप लूप चलेंगे तो क्या बनेगा, इसके बाहर कोई स्ट्रिंग नहीं बनेगी। अगर आप चलेंगे लूप, मान लीजिए पहली बार आप नल से चले, फिर दोबारा डबल R से चले, तो दोनों कॉन्टिनेट करके डबल R ही बनेगा जो कि पहले से यहाँ पे है। मान लीजिए एक बार आप इससे चले, फिर एक बार इससे चले, फिर एक बार इससे चले, तीनों कॉन्टिनेट करने के बाद ट्रिपल R बनेगा, तो यही यहाँ पे पहले से है। तो कोई ऐसी चीज़ बाहर की नहीं बनने वाली। मान लीजिए सिग्मा हुआ, इससे आप दो तीन बार लूप चल लिए, दो बार चले, तो फोर टाइम R मिलेगा जो कि यहाँ पे होगा ही। तो ये दोनों एक दूसरे के R asterisk का होल asterisk इक्वल टू R asterisk के बराबर है। इसी तरीके से इसमें देखिए, नल प्लस R asterisk इक्वल टू R asterisk। R asterisk में क्या होगा कि R asterisk में नल रहेगा, बाकी सिंगल R, डबल R, सो ऑन रहेंगे, लेकिन R के साथ अगर कंटिन्यूट कर देंगे तो ये एक नल ही ख़त्म होगा, क्योंकि नल R कंटिन्यूट होके R आ जाएगा, बाकी क्या होगा डबल R, ट्रिपल R, सो ऑन मिलेंगे। मतलब मेन चीज़ है कि आपका नल इसमें से R asterisk में नल नहीं है, लेकिन नल फिर आप R कर दिए, तो नल R कर दिए तो जो एक डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया, फिर ये R asterisk के बराबर हो गया। इसी तरीके से इधर से भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों ये प्रूफ आप ऑलरेडी मतलब आराम से कर सकते हैं, इन सेम वे आप ये सब भी प्रूफ कर लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस यूनिट का एक तरीके से आर्डन थ्योरम है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, थ्योरम भी और न्यूमेरिकल भी में भी इसका यूज़ है, ख़ासकर जब आप रेगुलर ट्रांजिशन डाइग्राम से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं तो ज़्यादा यूज होता है इसका। तो आर्डन थ्योरम बेसिकली है क्या, आर्डन थ्योरम है अगर मान लीजिए कि दो आपके रेगुलर एक्सप्रेशन पी क्यू दे रखे हैं, और वहाँ पे पी के बारे में एक शर्त है कि पी डज नॉट कंटेन नल, पी के अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स होंगी लेकिन नल स्ट्रिंग नहीं है। देन द फॉलोइंग इक्वेशन इन R, मतलब R इक्वल टू क्यू प्लस RP का केवल एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन, जो कि R इक्वल टू QP asterisk होगा। और ये इतना केवल आर्डन थ्योरम था। अब इसका प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। प्रूफ करने के लिए आपको R इक्वल टू क्यू प्लस RP दिया गया, यूनिक सोल्यूशन मतलब आप कम से कम दो तरीके से दिखाइए और
दोनों तरीके से सेम सोल्यूशन आए, तभी यूनिक वर्ड यहाँ पे जो यूज हुआ है उसका जस्टिफिकेशन होगा। तो दो अलग अलग तरीके से आप प्रूव करेंगे और आपको सेम सोल्यूशन मिलेगा, तो यूनिक वर्ड जस्टिफाई हो जाएगा कि मतलब और कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। तो R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, इसने क्या किया कि इसी जो सोल्यूशन है उसी को R की जगह पे पुट कर दिया। अब ये हो गया Q प्लस क्यू पी एस्ट्रिक पी। अब P एस्ट्रिक पी क्या होगा, पहले आप देखिए इसमें से Q कॉमन ले लीजिए तो बनेगा नल प्लस P एस्ट्रिक पी। अभी आप थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी पढ़े हैं कि इसके अंदर नल नहीं है, लेकिन नल R हो गया, फिर नल वापस आ गया, तो यानी फिर P एस्ट्रिक के बराबर हो गया। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा गया पी एस टी के बराबर ही है, तो आर इज इक्वल टू क्यू पी एस टी आ गया, यानी कि प्रूफ हो गया। दूसरे तरीके से अगर आप प्रूफ करते हैं तो टू प्रूफ यूनिकनेस, कि मतलब कि दोबारा आप अलग तरीके से प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि कोई और सोल्यूशन मिलता है कि वही सोल्यूशन मिलता है। तो आर इज इक्वल टू, चूँकि क्यू प्लस आर पी दिया गया है, तो क्यू प्लस आर पी आप इटरेटिवली आप R के जगह पुट करते चले जाएंगे इस R के जगह पर। तो Q प्लस आर पी पुट किए तो आपको मिला क्यू पी और आर पी पी, यानी कि आर पी स्क्वायर, ये मिल गया। फिर अगेन एक बार R के जगह पे इस R के जगह पे वही पुट करेंगे तो ये क्यू पी स्क्वायर बन जाएगा और आर पी क्यूब बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप I टाइम्स ये पुट करते चले जाते हैं, मतलब आप देखिए एक बार पुट किया आपने तो पी स्क्वायर बना, एक बार पुट किया तो पी स्क्वायर बना। अब यहाँ पे आई प्लस वन है तो जाहिर सी बात है जो पावर है उससे एक कम बार आपने पुट किया होगा, तो यानी कि आई टाइम्स अगर इसको पुट करते हैं तो ये सीरीज आपको मिल जाएगी क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी टू द पावर आई प्लस आर पी टू द पावर आई प्लस वन। अब इसमें से क्यू अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ये वाला इसके जगह पे नल आ जाएगा और बाकी आर पी पी प्लस पी स्क्वायर सो ऑन पी टू द पावर आई, इसको आप बाहर रखिए क्योंकि इसमें क्यू नहीं है। और यही मेन चीज़ है आर पी टू द पावर आई प्लस वन, क्योंकि इसको इग्नोर करना रहता है। कारण क्या है कि आप देखिए कि इस तरफ आर लिखा हुआ है, अब पी के अंदर नल है नहीं, तो क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो एक भी स्ट्रिंग इससे मैच नहीं करेगी, इससे बाहर की स्ट्रिंग होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि पी के अंदर नल है नहीं, कम से कम एक करेक्टर ज़रूर होगा। तो और आई की सबसे छोटी वैल्यू भी अगर ले लेते हैं जीरो, क्योंकि आई लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो पी कम से कम एक बार ज़रूर आएगा क्योंकि पी टू द पावर आई प्लस वन है, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। तो R को अगर P के साथ कॉन्टिनेट करेंगे और P के अंदर कम से कम सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग ज़रूर है, तो ये R के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसके लेंथ में वन का इंक्रीज कर देगा। तो इस वजह से और R यानी कि R से ज़्यादा की R में जितनी भी स्ट्रिंग है उससे मैच नहीं करेगा। ठीक है, कोई ना कोई स्ट्रिंग ज़रूर होगी कि जो मैच नहीं करेगा, कुछ स्ट्रिंग हो सकते हैं मैच कर जाएँ, कि जैसे अगर मान लीजिए R के अंदर डबल A है, सिंगल ए भी है, डबल ए भी है, और पी के अंदर मान लीजिए सिंगल ए है, तो अगर आप आर पी इसके साथ कॉन्टिनेट करेंगे तो यह ए ए जब कॉन्टिनेट होगा डबल ए बनेगा जो कि इसके अंदर है, लेकिन कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी होंगी जो नहीं मैच करेंगी, जैसे यही स्ट्रिंग, यह स्ट्रिंग आर पी के अंदर नहीं आएगा, सिंगल ए वाली स्ट्रिंग कतई ही नहीं आएगी क्योंकि आर के अंदर ए है और पी के अंदर भी, तो दोनों जो मिल के कॉन्टिनेट होंगे सबसे छोटी स्ट्रिंग जो बनाएगी वो डबल ए बनाएगी, जबकि आर के अंदर सिंगल ए भी है। तो इस रीजनिंग के बल पे हम आर पी टू दी पावर आई प्लस वन को इग्नोर कर सकते हैं और यह बात लिख के, बिकॉज पी डज नॉट कंटेन नल, सो आर पी टू दी पावर आई प्लस वन एंड आर विल नॉट मैच, विल रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सो वी विल इग्नोर। तो इस वजह से हम उसको इग्नोर कर देंगे, जब इग्नोर कर देंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट आर का जो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है वो केवल इतना पोर्शन हो जाएगा क्यू से, क्यू इंटू नल प्लस पी प्लस सो ऑन पी आई। तो यह चीज़ क्या है, इसी चीज़ के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको करना है कि अगर आई की वैल्यू बहुत बड़ी है तो आई की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये नल प्लस पी स्क्वायर सो ऑन
इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो वो हो जाएगा ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई चीज़ है वो टी एस्ट्रिक के बराबर हो जाएगी, तो आर इज इक्वल टू क्यू पी एस्ट्रिक हो जाएगा। अगेन आपको सोल्यूशन आर का जो मिला वो क्यू पी एस्ट्रिक मिला, कुछ और नहीं मिला। तो इस तरीके से दो अलग अलग तरीके से हमने सोल्यूशन निकालने की कोशिश की और दोनों तरीकों में ही वही सेम सोल्यूशन क्यू पी एस्ट्रिक मिला। तो इस तरीके से जो यूनिकनेस वर्ड है उसका जस्टिफिकेशन भी हो गया। केवल हमें प्रूफ नहीं करना है यहाँ पे, वहाँ पे प्रूफ करने का मतलब आपको सोल्यूशन निकालना है, लेकिन सोल्यूशन निकालने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ, बेसिकली वहाँ पे यूनिकनेस वर्ड को भी जस्टिफाई करना है। तो यूनिकनेस वर्ड तभी जस्टिफाई होगा जब आप दो अलग अलग, कम से कम दो अलग अलग तरीके से प्रूफ करें और सोल्यूशन सेम आए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कुछ इसमें, इस यूनिट में अलजेब्रिक लॉज भी हैं। अलजेब्रिक लॉ में देखिए एसोसिएटिव लॉ है, कॉन्केटनेशन फॉर कॉन्केटनेशन भी दिया गया है। तो एसोसिएटिव लॉ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इक्वल टू, मतलब आर इसको पहले आप सॉल्व करिए या इसको पहले सॉल्व करिए, रिजल्ट वही मिलेगा। मतलब आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री है, अब आप किसी न किसी को पहले सॉल्व करोगे, तो चाहे इसको पहले सॉल्व कर लें या इसको पहले सॉल्व करें, रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि ये सेट हैं और ये प्लस का मतलब यूनियन ही होता है। तो तीन अल्ग अलग सेट को यूनियन करना है तो रिजल्ट अल्टीमेटली सेम मिलेगा, चाहे जिस भी दो सेट को पहले यूनियन करें, यही कहने का सेंस है इसका। दूसरा जो दिया गया है कॉन्केटनेशन में भी एसोसिएटिव लॉ में लागू होता है, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर में, कि आप चाहे पहले इसको सॉल्व करिए चाहे इसको सॉल्व करिए। जैसे R1 की वैल्यू मान लीजिए A है, R2 की वैल्यू मान लीजिए BA है, R3 की वैल्यू मान लीजिए AA है। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा ABA, फिर ABA को इसके साथ कॉन्डिनेट करेंगे तो ABA मिलेगा। इसी तरीके से इसमें क्या है, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो BAAA मिलेगा, फिर इसके साथ कॉन्डिनेट करेंगे तो ABAAA हो जाएगा। ABAAA हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ में देखिए दिया गया है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1, मतलब आप उसका सीक्वेंस चेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेल नोन चीज़ें हैं ये सब, और ये दिमाग में अगर रहे कि R1 R2 अल्टीमेटली सेट ही हैं, क्योंकि सेट का ही अनदर रिप्रेजेंटेशन अलजेब्रिक फैशन में, तो सारी बातें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगी। बिकॉज इट इज़ वेल नोन डैट रेगुलर लैंग्वेजेज आर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पे क्लियर है कि हम सेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। अब सेट में आप जानते ही हैं कि कम्यूटेटिव लॉ चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर लेकिन कॉन्केटनेशन में आपका ये चीज़ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न वाली बात एक आ जाती है, पैटर्न भी साथ में रहता है। तो यूनियन पे तो चलता है, लेकिन यूनियन चूँकि आर का इक्विवेलेंट है, और कॉन्केटनेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का सेंस रखता है कार्टेजियन प्रोडक्ट की तरह से। तो कार्टेजियन प्रोडक्ट में भी ऑर्डर्ड की बात होती है, ऑर्डर्ड पेयर इसी नाते वहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि अगर कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल बी करते हैं और कैपिटल बी क्रॉस कैपिटल ए करते हैं तो टू डिफरेंट सेट फॉर्म होते हैं, क्योंकि पेयर ऑर्डर्ड उसमें चेंज हो जाते हैं पेयर के। तो इस वजह से जैसे वहाँ पे नहीं होता है वैसे यहाँ पे भी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिए सेट थियरी में जो आर ऑपरेशन है वो यूनियन की तरह से ही है, और यहाँ पे प्लस मतलब आर है और यूनियन की तरह से है, और यहाँ पे जो कॉन्केटनेशन है वो चूँकि मल्टीप्लिकेशन जैसा है, और आपका वहाँ पे कार्टेजियन प्रोडक्ट जिस तरह से वर्क करता था वैसे यहाँ पे करता है। और वहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलते हैं कार्टेजियन प्रोडक्ट करने के बाद। तो जब वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ नहीं चलता है कार्टेजियन प्रोडक्ट में तो यहाँ पे नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ बेसिकली आप जानते ही हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना पहले होता है। तो प्लस ऑपरेटर के लिए फाई आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि फाई का जो रोल है वो जीरो की तरह से है। तो किसी भी एलिमेंट में, और प्लस
प्लस का मतलब प्लस सेंस भी है, आर भी सेंस है, लेकिन ये जीरो जो होता है वो क्या है, वो एम्प्टी सेट है। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन की तरह से, मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक की तरह से इसको ट्रीट करते हैं प्लस को, कि जैसे आर होता है तो प्लस ही एक सेंस है एडिशन की तरह से, तो जीरो अगर किसी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलता है। तो सेम सेंस में यहाँ पे इस बात को लिखा गया है, तो यानी कि आर वन प्लस फाइव इज़क्ल टू फाइव प्लस आर वन इज़क्ल टू आर वन। तो आइडेंटिटी फॉर फाइव इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन ऑपरेशन हो जाएगा। और नल जो होता है वो एक तरीके से वन की तरह से रोल प्ले करता है, तो वन मैथमेटिक्स में होता है और नल कॉन्कर्नेशन, चूँकि यहाँ पे शो हो रहा है कॉन्कर्नेशन मल्टीप्लिकेशन का ही एनालोगस है, तो वन को अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर मिलता है। तो इसी तरीके से नल को अगर किसी सेट के साथ कॉन्कर्नेट करेंगे तो वही सेम सेट मिलेगा। तो इसी वजह से नल आर वन इज इक्वल टू आर वन नल इज इक्वल टू आर वन हो जाता है। लेकिन अगर फाई आर आर फाई की बात करेंगे तो वो फाई के इक्वल होगा, क्योंकि फाई जीरो है। तो जीरो जीरो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए तो जीरो ही मिलता है, इसी नाते फाई मिल रहा है यहाँ पे। और ये पहले भी आइडेंटिटी डिस्कस हो चुका है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखिए, ये उसी तरीके से जैसे मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है, वैसे ही ये भी है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट कॉन्कर्नेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन है। तो आर वन आर टू आर वन आर थ्री हो गया, सीक्वेंस नहीं चेंज करना है। आर वन पहले अगर लिखा गया है तो आर वन आर टू ही लिखना है, ये नहीं कि आर टू आर वन आप लिख दें, आर वन आर थ्री इसी तरह लिखना है, ना कि आर थ्री आर वन लिखना है। राइट अगर सेंस राइट साइड से अगर करेंगे तो आर टू आर वन और आर थ्री आर वन मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, आर वन अगर राइट में है तो राइट में ही रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। आइडेंपोटेंट लॉ के बारे में आप जानते ही हैं कि इसमें ऑपरेंड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ऑपरेंड सेम होते हैं। तो दो अलग सेम ऑपरेंड लेके अगर आप ऑपरेट कराते हैं तो वही सेम ऑपरेंड रिजल्ट भी आता है, लेकिन कॉन्कर्नेशन में ये रोल नहीं, कॉन्कर्नेशन में नहीं होल्ड होता है। आर आर को कॉन्कर्नेट करेंगे तो आपको आर नहीं मिलेगा, हर स्ट्रिंग्स जो होंगी वो बदल जा, कुछ स्ट्रिंग्स डबल लेंथ में हो जाएंगे, मतलब जस्ट उसी का डबलिंग हो जाएगा। आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं, अगर आर में आप ए बी लिए हुए हैं तो ए बी और ए बी को कॉन्कर्नेट करिए, ये दो अलग अलग सेट को लेके ऐसे एग्जांपल लेके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो इसका इसके साथ होगा तो डबल ए मिलेगा, इसका इसके साथ होगा तो ए बी मिलेगा, इसका इसके साथ होगा तो बी ए मिलेगा, फिर इसका इसके साथ होगा तो बी बी मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये सेट जो फॉर्म हुआ इसमें से इसके बराबर नहीं है, तो इस तरीके से वो इक्वल नहीं होता। इसका एप्लीकेशन ही ज़्यादा यूज़ होता, बाकी आप प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। अगेन देखिए, लॉ ऑफ क्लोज़र में बेसिकली क्लोज़र ऑपरेशन या इटरेशन ऑपरेशन यूज़ होता है, ये भी आप पढ़ ही चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। यह एक अलग है, इसमें ये आर प्लस जो होता है बेसिकली वो आर एस्ट्रिक में से नल को एक्सक्लूड करने के बाद बनता है। नल स्ट्रिंग चूँकि आर क्लोज़र के अंदर आता है, वही अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे तो आर एस्ट्रिक बन जाएगा, उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, आर एस्ट्रिक इज इक्वल टू आर प्लस नल। इसके बाद जो, तो ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि इसका यूज़ बेसिकली जो है वो सिंप्लीफिकेशन आप रेगुलर एक्सप्रेशन में है, क्योंकि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा उसको सिंप्लीफाई करिए यूजिंग आइडेंटिटीज़, या नहीं मेंशन रहेगा यूजिंग आइडेंटिटीज़ तो भी आपको इन्हीं सब आइडेंटिटीज़ और अलजेब्रिक लॉ को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करना रहेगा। तो ये रिमेंबर भी रखना ज़रूरी है और अप्लाई करना भी ज़रूरी है, तो ये इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो भी कंटेंट है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लीन्स थ्योरम है जो कि मैं अगले वीडियो में उसको बनाऊंगा।